इंडिया के अंदर 5 साल तक अपनी बादशाहत कायम करने वाला सामी आज इंडिया के अंदर इतनी बुरी स्थिति पर है कि वो इंडिया से किसी भी टाइम खत्म हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ सामी के साथ, तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो पर बने रहें, चलते हैं वीडियो पर। इंडिया के अंदर नंबर वन ब्रांड बनना 5 साल तक ये कोई छोटी बात नहीं है। जुलाई 2014 को सामी इंडिया के अंदर अपना पहला स्मार्टफोन लेकर आया तो वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि वो आते ही सोल्ड आउट हो गया। इस दिन के बाद इंडिया के अंदर Xiaomi ने 2020 तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये एक के बाद एक अपना नया बजट स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट के अंदर लेकर आ रहे थे। तो इसका कारण ये नहीं है कि इंडिया के अंदर और कोई ऐसी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नहीं थी। दोस्तों उस टाइम सैमसंग भी थी और एप्पल भी थी, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो काफी महंगे देखने को मिलते थे। हर एक बंदा उस प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जा सकता था, लेकिन इंडियन ब्रांड थे जैसे लावा हो गया, स्पाइस हो गया, कार्बन हो गया और माइक्रोमैक्स हो गया, ये कुछ इंडियन ब्रांड थे। लेकिन यहाँ पर Xiaomi ने इन सबको पछाड़ दिया और दोस्तों ये Xiaomi का सामना नहीं कर पाए। इंडिया के अंदर 2014 में ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड था वो चला हुआ था, तो यहाँ पर Xiaomi ने अपना एक दिमाग लगाया कि हम अपने सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन रखेंगे, हमें कोई भी अपना जो स्मार्टफोन है वो किसी शॉप से हमें नहीं बेचना है। तो इस तरीके की जो सोच थी वो Xiaomi यहाँ पर लेकर आया और Xiaomi की ये सोच 2014 से 2020 तक इस तरीके से चली कि वो नंबर वन ब्रांड बन के रहा 5 साल तक। ज्यादातर लोग Xiaomi की तरफ जाते और Xiaomi के जो स्मार्टफोन थे बहुत ही ज्यादा बिक रहे थे। 2020 के अंदर जो Xiaomi के मार्केट शेयर थे वो 28% थे, लेकिन दोस्तों अब उनके जो शेयर हैं वो 16% रह गए। दोस्तों ऐसा क्या कारण है Xiaomi के साथ, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ Xiaomi के डूबते हुए टाइटेनिक के बारे में। तो दोस्तों Xiaomi आई तो थी बजट स्मार्टफोन लेके, लेकिन अब इंडिया की मार्केट के अंदर महंगे फोन है उनकी तरफ ये जाने लगी, क्योंकि Xiaomi को बजट स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है। अगर किसी को महंगा ही फोन लेना है वो सैमसंग की तरफ जाएगा, वो एप्पल की तरफ जाएगा, ना कि Xiaomi का स्मार्टफोन लेगा। तो दोस्तों इंडिया में लोगों की सोच बन गई कि Xiaomi सिर्फ बजट स्मार्टफोनों के लिए ही है, इसमें महंगा फोन कोई लेना ही पसंद नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। अब यहाँ पर नोकिया की तरह इसका जो कंडीशन है वो इंडिया के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि नोकिया को इंडिया के अंदर सिर्फ कीपैड फोन बनाने के लिए ही जानते थे। एक टाइम में इंडिया के अंदर राज करने वाली नोकिया आज इंडिया के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों उसी तरीके से Xiaomi भी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि Xiaomi के जो स्मार्टफोन थे ये एक तो इनकी डिजाइन वही रही, सारे प्रोडक्ट इन्होंने अपने ऑनलाइन रखे, कोई भी ऐसी नई चीज ये नहीं लेकर आए। तो Xiaomi को सिर्फ बजट स्मार्टफोन के लिए जाना जाता था, ना कि किसी भी महंगे फोन के लिए। दोस्तों इस तरीके की जो चीजें थी वो Xiaomi को यहाँ पर खत्म कर रही थी। क्या आप इंडिया के अंदर दोबारा Xiaomi आ सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल आ सकती है, अगर Xiaomi को यहाँ पर काम करना होगा, जिस चीज के लिए Xiaomi को जाना जाता था उस चीज पर उसको काम करना होगा, अपने सारे ही बजट स्मार्टफोनों पर इनको ध्यान देना होगा इंडिया के अंदर। और दोस्तों इनके जो स्मार्टफोन थे उनकी जो डिजाइन है उनको भी इनको चेंज करने की जरूरत है, लोगों का जो अट्रैक्शन है उसको कम कर रही है Xiaomi यहाँ पर। तो यहाँ पर Xiaomi को काम करना चाहिए कि वो इंडिया की मार्केट के अंदर उनको जाना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए और उस नीड को उनको पूरा करना चाहिए। और दोस्तों हर एक दुकान के ऊपर उनको ब्रांडिंग काफी अच्छे से करनी चाहिए, तो जो Xiaomi दोबारा से कम बैक कर सके आने वाले टाइम में। Xiaomi के साथ भी नोकिया वाला काम हो सकता है। दोस्तों Xiaomi अपनी जो औकात है उसको भूलकर वो कुछ ज्यादा ही करने की सोचने लगा। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें थी जो Xiaomi के साथ इंडिया की मार्केट के अंदर हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।